हम जानते हैं कि ग्लोब बहुत यूजफुल है, ज्योग्राफी क्लास से भी ज्यादा। एक स्नेल भी इसमें रह सकता है। हमारी टीचर मिस पेनी पॉपिंस को काम पर जाना है, लेकिन वो अपने प्यारे डॉग को छोड़ना नहीं चाहती। फ्लफी, तुम्हें घर पर ही रहना होगा। दुखी मत हो, मम्मी जल्दी आ जाएगी। बेचारा फ्लफी घर पर अकेला नहीं रहना चाहता। हे मामा, मुझे भी स्कूल जाना है। टीचर अभी भी क्लास में अपने बेबस कुत्ते के बारे में सोच रही है। उसने उसे घर पर अकेला कैसे छोड़ दिया? उम्मीद है कि वो मेरे जूते और पिलो को नहीं फाड़ेगा। उसे मैं बहुत मिस कर रही हूँ। कितनी बुरी बात है कि हम अपने पेट्स को स्कूल नहीं ला सकते। रुको, ये शोर कैसा है? ऐसे लगता है कि जैसे स्टूडेंट ने कुछ रोएदार चीज छिपाई है। तुमने क्या छिपाया है? ओह, ये गिनी पिग है। तुमने इसे अपनी आम में क्यों पकड़ा है, जबकि तुम इसे स्पेशल बैकपैक में डाल सकती हो। पुराने बैकपैक पर प्लास्टिक का सेमी स्फीयर ट्रेस करें। ध्यान से सर्कल को काटें। सेमी स्फीयर को हॉट ग्लू से अंदर की तरफ चिपका दें। बैकपैक के अंदर वाली लाइटनिंग काट दें। जोड़ को पॉम पॉम्स के साथ डेकोरेट करें। वेंटिलेशन के लिए छेद बनाए। कार्डबोर्ड बॉक्स का एक हिस्सा काटें। कार्डबोर्ड के टुकड़े को बैकपैक में डाल दें। गिनी पिग बैकपैक में बहुत समय बताएगा। अपने पोर्टेबल घर में चढ़ जाओ। छोटे बच्चे, इसमें एक बड़ी सी खिड़की है। अब ये अच्छा है। पंजों वाले रोएदार जानवर मेरे लिए नहीं है। मुझे पसंद है शांत, सौम्य और पीसफुल फिश। ढक्कन वाले ग्लास के ऊपर स्टिकर चिपकाएं। मछली के लिए पानी भरें। अब कप में मछली को डाल दें। ये ग्लास से बना पोर्टेबल फिश टैग बहुत हैंडी है। अब मेरी फिश हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, गलती से भी पानी को पीना नहीं। रोजी अपने साइलेंट फिश के बारे में डींगे हांक रही है। बिग डील, मेरे पेट दिल दहलाने के लिए नहीं है। लंच बॉक्स में से स्पून और फोक बाहर निकालें। इसे कुछ टेरेंटुला सब्सट्रैक्ट डालें। ढक्कन को स्टिकर से ढक दें। वेंटिलेशन के लिए छेद करना ना भूलें। लंच बॉक्स में टेरेंटुला। क्या बढ़िया खाना है। घबराओ मत प्यारे, तुम्हें कोई नहीं खाएगा। क्या मैं तुम्हें चोरी छिपे प्रिंसिपल ऑफिस में छोड़ दूं? अब हम स्कूल में पेट्स डे सेलिब्रेट करेंगे। आओ पूरे वर्ल्ड को अपने पेट्स दिखाएं। एलेक्स अपनी प्यारी हैमस्टर को स्कूल लेकर आया है। मिलिए चार्ल्स विलियम थर्ड। पहले दो गुजर गए। ये रियल हार्ट ब्रेकर है। देखो, क्लास की सभी लड़कियां इसे प्यार करती हैं। कितना क्यूट है। और मिस पॉपिंस को आइडिया आया। आज हम क्लास में काम करेंगे एक भूल भुलैया बनाने का, हैप्पी हैमस्टर के लिए। कुछ सामान लो और काम पर चलो। दो बड़े प्लास्टिक बॉक्स के ढक्कन की सेल रैपिंग स्क्रू से जोड़ें। शार्प टिप्स को हॉट ग्लू से कवर करें। हैमस्टर हाउस को पलट दें। कंपास का एक सर्कल आउटलाइन करें। राउटर से होल काटें। बॉक्स लिड को घर की साइड पर लगाएं। दो छेद ड्रिल करें।
वायर का इस्तेमाल करके हाउस और लिड को जोड़ी। नीचे किए गए होल में एक कोरोगेटेड पाइप डाली। इसे ढक्कन के साथ वायर से बांधी। पाइप को जिगजैग का शेप दी। फालतू का काट ली। हैम्पशायर हाउस के साइड पर एक और छेद करें। पाइप का दूसरा कोना इसमें डाल दें। घर की साइड और छत पर ड्रिल करके छेद बनाएं। इन्हें वायर से कस दें। वेलक्रो को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। इन्हें घर के दरवाजे के आसपास लगा दें। वेलक्रो के दूसरी साइड पर ग्लिटर फोम पेपर का एक रेक्टेंगुलर पीस चिपका दें। फोम पेपर को घर पर डोर की तरह चिपका दें। दूसरे घर के लिए भी एक दरवाजा बनाएं। हैमस्टर के लिए एक लग्जूरियस पेंट हाउस तैयार है। ये बुकशेल्फ पर फिट हो जाएगा। चार्ल्स विलियम थर्ड आराम से इस नई प्रॉपर्टी में घूम सकता है। इस फनी पिक को देखो, टीचर कैट। ये बिल्कुल मिस पेनी पॉपिंस जैसी है। रुको, नहीं मैं ये इमेजिन कर रही हूँ। ये बिल्कुल उन जैसी है। किसी को इतना बड़ा बुक्स का सैक क्यों चाहिए? ये क्लास के लिए तो पक्का नहीं है। ये तोते को छिपाने के लिए है। मोटे कार्डबोर्ड के चारों तरफ डबल साइडेड टेप चिपकाएं। बुक्स पाइंस की प्रिंटेड पिक्चर इस पर लगाएं। सीजर से छोटे छेद करें। कार्डबोर्ड को तार के साथ बोर्ड कैप पर बांधें। कार्डबोर्ड और केज को रस्सी के साथ बांधें। ये छोटा सा पैरेट बहुत प्यारा है। उसका टाइम स्कूल में अच्छा बीते। वो हमें टेस्ट में सही आंसर बताए। एलेक्स को पेन चाहिए। अपनी पेंसिल केस में देखो, हो सकता है तुम्हारे पास एक स्पेयर हो। श्यू, मेरे पेंसिल केस में सिर्फ स्पेयर कॉकरोच है। फोम पेपर के स्ट्रिप को पेंसिल केस में लगाएं। डबल साइडेड टेप इस्तेमाल करें। फेल्ट में से ट्रायंगल शेप काटें। इन्हें स्ट्रिप के कोनों पर चिपका दें, बिल्कुल पेंसिल्स की तरह। फेल्ट में से एक स्ट्रिप ज़िगज़ैग शेप में काटें। इन्हें टुकड़ों में काटें और इन्हें ट्रायंगल के नीचे लगा दें, जिससे ये शार्पन पेंसिल जैसा दिखे। पेंसिल की नोक को जेल पेन से कलर करें। सिल्वर पेन से पेंसिल पर फैसेट्स बनाएं। केस के अंदर पेंसिल के छिलके डालें। क्या तुम सच में पेंसिल केस में कॉकरोच लेकर आई हो? ये तुम्हारा पेट है? क्लासमेट मुड़ा और एलेक्स ने जल्दी से उसका पेन चोरी कर लिया। ओह, तुम गलत लड़की से उलझ रहे हो। कॉकरोच, इसे पकड़ो। ओह, बचाओ, बहुत गंदा है। मिस में तैयार है अपना पेट दिखाने के लिए। उसके पास क्या है? ग्लोब? नहीं, ग्लोब तो सिर्फ एक स्टैंड है उनके प्यारे स्नेल के लिए। एक बड़े प्लास्टिक बॉल को आधा काट ले। सारे हाफ के सेंटर में निशान लगाएं। राउटर से इसमें छेद करें। बॉल को बंद कर दें। ग्लोब के लिए साइड पर प्रिंटेड वर्ल्ड मैप लगा दें। बाकी के आधे हिस्से के बीच में वेंटिलेशन के लिए ड्रिल से छेद करें। मैप को इक्वेटर के साथ से काट ली ताकि ग्लोब खुल सके। बॉल को ग्लोब स्टैंड पर रखें।
एक बड़ा स्नेल ग्लोब के अंदर। मिस स्मिथ जानती है कि प्लैनेट को कैसे चौंकाना है। उन्हें स्नेल से प्यार है। बड़ा स्नेल उनके संसार पर राज करता है। दिन के अंत में पेट्स को स्कूल में लाना एक बढ़िया आइडिया था। क्या आपको हमारे पेट आइडियाज अच्छे लगे? आए हम कमेंट्स में जानते हैं कि आप कैसे चोरी छुपे पेट्स को क्लास में लेकर जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई नई वीडियोस ट्रूम ट्रूम पर मिस ना करें।